हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ एसएससी का एमटीएस 2022 का ये पेपर। इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मैं आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराऊंगा, एंड ये आपको आगे में हेल्प करेंगे जो भी आपका पेपर होगा जुलाई में। इस वीडियो को पूरा देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड उस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट जरूर आता है एंड इसके भी और पार्ट्स आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का ये वाला पेपर है। एंड 2019 को पेपर मैंने इसलिए लिया है, इससे आप सभी को आइडिया मिल जाएगा एंड क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, जो कि आ जाएगा थर्ड हॉटिनेस। जो फर्स्ट वाला हॉटिनेस है वो गलत है, सेकेंड भी और फोर्थ भी, थर्ड वाला सही है। सेकेंड, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। हमने करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। इसमें आ जाएगा थर्ड ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है, कई बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर में एक ही जगह पर ई डाल देते हैं, बट दोनों जगह पर ही ए आएगा ग्रामर में। अब आगे थर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। इसका आंसर है encouraged। आगे फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फर्टाइल। इसका आंसर है barren, फर्स्ट वाला। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु प्रटेंड्स टू बी वट ही इज नॉट। इसका आंसर है सेकेंड, हाइपोक्राइट। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आंसर है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है एक्यूट, एंड इसका आंसर है ब्लटर, ब्लम्सली। ब्लम्सीफी है इसका आंसर। एंड आगे है सेवन्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है वो है डीप, डिपेंड। इसका आ जाएगा इंटेंसीफाई। आगे एट्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम द बॉल इज इन वन्स कोर्ट। इसका आंसर है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर नाइन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द एंट्री गेट्स वर क्लोज डैश वी कुड एंटर इन। इसका आंसर है सेकेंड, बिफोर। अब आगे क्वेश्चन नंबर इलेवन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। इसका आ जाएगा आंसर सेकेंड, नो एरर। आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट। आगे थर्टींथ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। इसका आ जाएगा फर्स्ट, नॉर डिड आई। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। इसका आंसर है कन्वेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर नो एरर। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट फॉर वी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश यू लाइक सम वाटर। इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, वुड। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड करेज। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, वेलियर। आगे क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। इसका आंसर है थर्ड और। आगे है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन एडेड हैव बीन डिलीटेड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द alternatives given select the most appropriate option for each blank. First है humanity can be dash as quality of being human. इसका जो first है select the most appropriate option for blank number 1,
सो इसका आ जाएगा डिफाइंड। आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 20 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर टू। ब्लैंक नंबर टू है द पर्कुलरिया नेचर डैश मैन बाई विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सभी को इसका सेकंड पार्ट चाहिए सो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।